इन अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल व्हाट परसेंटेज ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस विल डीके, तो कितना पार्ट जो है वो डीके हो चुका होगा। चलिए तो अब देखें, हम जानते हैं कि किसी भी टाइम पे बचा हुआ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है इतना है, माइनस लैम्डा टी है। कितने टाइम के बाद? एक मीन लाइफ के बाद। तो टी जो है वो मीन लाइफ के बराबर है, और जो मीन लाइफ होती है वो कितनी होती है? 1/λ। तो यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो बचा कितना बच गया, ये बच गया है एन नॉट बाय ई, इतना बच गया। ई को 1e-1 को 0.37 लिख सकते हो, यानी कि ये बेसिकली आ गया है 0.37 एन नॉट। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच गए हैं, इतने बच गए हैं तो फिर डीके कितने हुए? तो नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई जो हुए वो कितने हो गए? एन नॉट माइनस एन नॉट इंटू 0.37, यानी कि कितना? 0.63 एन नॉट। तो बेसिकली अगर शुरू में एन नॉट थे, अभी बचे 0.63 एन नॉट, यानी कितना? 63%। तो सी शुड बी द करेक्ट वन।